आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021, जिसका प्रीवियस ईयर होगा 2019 एंड 2020, और ये एप्लीकेबल कब के लिए, सीए फाइनल नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए, या फिर अगर आप जनरली देखें तो प्रीवियस ईयर 2019-20, जिसका मतलब होता है फिनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है, जब भी टैक्स की रेट की बात आती है या फिर टैक्स देने की जब बात आती है, तो लोगों के माइंडसेट में एक चीज रहती है कि टैक्स चोरी या फिर ऐसा कुछ कि टैक्स कम देना है या ज्यादा देना है। तो उस पर एक लाइन लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ उसको, कि सब उड़ा रहे हैं पतंग, सुनेगा, सब उड़ा रहे हैं पतंग, तुम मेरी नींद उड़ा रहे हो। गलत मत समझिए, कि सब उड़ा रहे पतंग, तुम मेरी नींद उड़ा रहे हो, दुनिया कर रही टैक्स की चोरी, तुम मेरा दिल चुरा रहे हो। दुनिया कर रही है टैक्स की चोरी, तो मेरा दिल चुरा रहे। कहने का मतलब ये है कि ऑन अ लाइट नोट कि टैक्स चोरी इज नथिंग बट कुछ लोग मैनिपुलेशन कर लेते हैं, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नीड टू ऑलवेज फाइंड अ वे कि हम जितना सही हो सके उतना सही दिखाएं या फिर पूरा सच दिखाएं। मेरा कहने का मतलब है जितना हो सके, उसका मतलब ये होता है कि हम उनका टैक्स प्लानिंग करके दें, टैक्स को बचाने की जगह हम उनका प्लान करें, इन्वेस्टमेंट करवाएं, वो बेटर होगा। तो इसी नोट पे हम बुक शुरू करते हैं कि आखिरकार इस फाइनेंशियल ईयर 1920 में क्या रेट है और प्रीवियस ईयर्स 2019-2020 में क्या रेट है। ठीक है, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और यूपी ऑलमोस्ट सेम है, ये है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और ये होता है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन। एजेपी का मतलब जनरली का ये यहाँ पे देवी देवताओं से मतलब होता है, जो अपने यहाँ मंदिरों में टेंपल्स में जो कलेक्शंस होती हैं उनके लिए अगर आप समझे। तो इंडिविजुअल एचयूएफ बीओआई एओपी एजेपी, आपको जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी कि क्या रेट एप्लीकेबल होंगे, जो नए जो बजट आया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो हमारा हर साल एक फिनेंस एक्ट आता है जिसको हम लोग बजट भी बोलते हैं, लेकिन हमारे केस में जो दो फिनेंस एक्ट आए थे, नंबर 1 नंबर 2, उसके हिसाब से जो हमारा टैक्स रेट होगा, टैक्स स्लैब जो बोलते हैं अपने, वो ऐसा कुछ होगा जो कि है, अगर आपकी इनकम है अप टू 2,50,000 तो नील, और 2,50,000 से 5,00,005%, 5,00,000 से 10,00,000 20%, 10,00,000 से ज़्यादा है तो 30%, सो 5, 20, 30। एक बार रिपीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल टैक्स रेट क्यों लिखा हुआ है, ये समझना होगा कि ये नॉर्मल टैक्स रेट क्यों लिखा हुआ है। नॉर्मल टैक्स रेट इसलिए लिखा हुआ कि देखो दो टाइप के टैक्स रेट होते हैं जनरली, एक होता है नॉर्मल टैक्स और एक होता है स्पेशल टैक्स। अब स्पेशल टैक्स में जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे इस पे 20% है, इस पे 15% है, अब इसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, कैपिटल गेन में करेंगे। अभी जो नॉर्मल टैक्स स्लैब्स हैं उनकी बात करें, जो कि कैपिटल गेन की नहीं है, या फिर अदर जो स्पेशल रेट्स हैं से वेरिंग्स पे 30% है, उनकी बात न करके अभी हम लोग जो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ बीओआई एओपी एजीपी पे, ठीक है, ये जरूरी है कि ये किस पे एप्लीकेबल है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर होगा नहीं जी, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एचयूएफ बीओआई एओपी और एजीपी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं, अप टू 2,50,000 नील है, 2,50,000 टू 5,00,000 5% है, 5,00,000 से 10,00,000, 5 से 10,00,000 20%, 10,00,000 से ज़्यादा 30%,
तो 3 slab हो गए, 4 slab हो गए, एक बेसिक एग्जम्पशन है ये 250,000 बेसिक एग्जम्पशन है, ये मिलता है, इस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। और ये 2,55,00,000, 5 लाख, 10 लाख, ये क्या है, ये आपका है टोटल टैक्सेबल इनकम, या फिर टोटल इनकम जो आपका है वो 5 लाख है, या फिर इतना जो टैक्सेबल इनकम आपकी आती है नेट टैक्सेबल इनकम यानी टोटल इनकम, ठीक है, उस पे ये रेट एप्लीकेबल होगा। आपके जितने भी डिडक्शन है आप ले लीजिए, जो भी लेना है वो ले लीजिए, उसके बाद जो अमाउंट टैक्सेबल बचेगा उसके ऊपर ये रेट लगते हैं, जैसे कि 5%, 20%, 30%। आपका एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये रेट्स, अगर मैं थोड़ा और बताऊं आपको कि क्या ये रेट हमेशा ऐसे ही रहे, आपको जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा या नहीं लगेगा, बट पता नहीं, जो हमारा पहला इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो कहाँ से शुरू हुआ होगा, कोई आइडिया आपको? उस समय जो बेसिक एग्जम्पशंस थी जिसपे मतलब टैक्स नहीं लगता था, तो वो था 1500, समझ रहे, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ अपना जो 1947-48 का, उस समय हमारा जो टैक्स स्लैब था, अगर मैं उसको लिखूँ तो ईयर क्या था, 47-48, इंडिपेंडेंस के वक्त जो हमारा पहला टैक्स स्लैब है उसकी बात करें तो 0 to 1500 ये नील था, और ऐसे करके लगभग 5 slab थे, 1501 से, फिर 5001 से तुम्हारा, फिर 10,000, 10,001 से 15,000, और 15,001 से above रेट क्या थे, 6.3%, 12.5%, 21.88%, और ये 31.25%। इसको जनरली बोला जाता था कि जैसे कि 1 रुपए में 16 आना होते थे उस समय, मतलब कि 1 रुपए का मान लो कि 16 पार्ट है, अगर आप ऐसे समझिए, पहले रुपए का आना आता था, जैसे कि अभी डॉलर के सेंट आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले भी पैसे आते थे ना, तो पहले जो था 47-48 में उसमें आना भी था, 1 रुपए में 16 आना होते थे, तो 1 आने का चॉकलेट भी मिलता था, बहुत कुछ मिलता था। तो इसका जो अगर उसमें कन्वर्ट किया तो 1 रुपए में 1 आने की बात होती थी, और इसमें 1 रुपए में आपको 2 आना टैक्स दे देना है इसमें 3.5 आपको मतलब 3.5 आना टैक्स दे देना है, और इसमें 5 आना टैक्स देना, मतलब 16 में से 5 आना आपको टैक्स दे देना है, समझ रहे? तो ऐसा था, और इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, क्लियर है? बट मैंने इसलिए ये बताया कि जो हमारा जो बिगनिंग है वहां से हम लोग कितना आगे आ चुके हैं, मतलब कि उस समय 1500 रहा होगा बड़ा अमाउंट, लेकिन अभी जो आने वाला समय है वो टैक्स स्लैब्स थोड़े से और इजी हो जा रहे हैं लोगों को समझने के लिए। अभी जो बजट आया है जो अपना नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगा, वो थोड़ा सा फिर वो कॉम्प्लिकेशन में चले गए, लेकिन अगर वो एक बजट रहता जैसे कि 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो 5 slab है उसमें, तो वो और भी इजी रहेगा, लेकिन उसमें ये रहे कि भाई एग्जिम्पशंस उसमें नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सफ़र है वो 1500 से शुरू हुआ और यहाँ तक आकर पहुँच गया, 1500 फिर एक बार बढ़ता गया 18,000 तक हुआ। एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एक बार हमारा जो टैक्स लिमिट था वो आई गेस टोटल मैक्सिमम 97 point something चला गया था, वो था 1974-75 में, फिर 18,000 की लिमिट आई, फिर वैसे बढ़ते बढ़ते 1 लाख हुआ, फिर 2.5 लाख हुआ, अब कभी न कभी 5 लाख हो जाएगा। तो हम लोग इस हिसाब से, और टैक्स जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। आप इससे आप समझ क्या रहे हो, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है स्लैब का, तो उसका क्या मतलब है,
इस स्लैब का मतलब क्या है? इस स्लैब का मतलब यही है ना कि भाई ये जो 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन है, जो 2.5 लाख से ऊपर कमाएगा 5 लाख तक 5%, मतलब जितनी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स रेट आपका, आई मीन टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स रेट भी बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव क्या मतलब कि भाई तुम कुछ मत कमाओ फिर भी जब एक शैम्पू या फिर सोप खरीदते हो तो उस पर भी टैक्स लगता ही है, जो एक अमीर से अमीर इंसान भी देगा और एक पुअर से पुअर इंसान भी देगा। तो उसमें प्रोग्रेसिवनेस नहीं है, वो एक रिग्रेसिव टैक्स है, वो सब पे समान रेट से लगता है। लेकिन जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, वो सब पे एक समान से नहीं लगता। जैसे यहाँ पे आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी उतना ही आप पे टैक्स ज़्यादा लगेगा, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा टैक्स दो, क्योंकि जो आदमी कम कमा रहा है उसके लिए तो सारी चीज़ें अफोर्ड करना पहली बात तो वो मुश्किल हो जाता है, वो टैक्स कहाँ से भरे, तभी तो टैक्स इवेजन आता है, समझ रहे हो। अगर ऐसा टैक्स रेट रहे जो कमाए वो टैक्स दे तो और ही बेहतर होगा, समझ रहे। और टैक्स प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए, कि उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अच्छे से। लेकिन मेरा यहाँ पे बस यही कहना है कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, फेयर इनफ। अब बात करते हैं जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं, परदादा तो हैं या नहीं हैं, लेकिन जो दादा लोग हैं उनकी एज जनरली 60+ होती है, उनको रेलवे में भी रिलीफ मिलता है, 50% उनका कंपनसेशन मिलता है, फेयर में जैसे रेलवे फेयर में रिलीफ मिलता है, तो वैसे यहाँ पे भी हल्की सी रिलीफ दी गई है, बहुत बड़ी रिलीफ नहीं है, बट फिर भी 3 लाख तक का जो वहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख रुपए था, यहाँ पे इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया, और बाकी वही है 5%, 20%, 30%। अपना स्लैब में यहाँ पे 2.5 लाख के जगह बस 3 लाख हो गया, तो अप टू 3 लाख नील अगर एक इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है। यहाँ पे ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या है ये रेसिडेंट है, एक सेकेंड, ये जो वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं हो, NRI हो, तो आपको नहीं मिलेगा ये जो एग्जेम्पशन है, 3 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। आपको, आप एक इंडिविजुअल हो और रेसिडेंट हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल AOP और वो सब में तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि एज की बात हो रही है। अगर आपकी एज, एक इंडिविजुअल की एज 60 से ज़्यादा है, 60 या 60 से ज़्यादा, तो यहाँ पे एक और कीवर्ड है कि आपको 60 और मोर। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसका अब ये 60 को आपको समझना होगा, रेसिडेंट आप समझ गए कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जब वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी एज 60 साल की भी हो, मतलब 60 साल का है तो भी लगेगा उसके ऊपर, ये मतलब एप्लीकेबल है, एग्जेम्पशन उनको मिल जाएगा, और 60 से ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स मिलेगा। तो जो 60 इयर्स है उसमें एक बार कन्फ्यूजन हुआ था एक कोर्ट केस, मान लो कि कोई एक इंसान है, ठीक है, इनकी एज हो गई है, और हाउ आई विल रिफ्लेक्ट कि इनकी एज हो गई है, हाँ ठीक है, व्हील चेयर पे भी बैठा दे क्या, नहीं, कहने का मतलब वो चेयर पे बैठे हैं, इनकी एज है, मान लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, तो इनका डेट ऑफ बर्थ 1/4 अगर 1960 है, तो हम लोग इनका जो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वो इस डेट को करेंगे 1/4/20 को, 1 अप्रैल 2020 को। तो अगर इस केस में देखा जाए तो इनका जो 60 इयर्स है
वो बर्थडे को 1 अप्रैल को पूरा हो रहा है, लेकिन जो हमारा रिटर्न लगेगा, जो हम एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे, वो 31 मार्च 2020 के तारीख तक को ही देखते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो ड्यूरेशन है वो 60 ईयर्स है। अब इस 60 ईयर को कैलकुलेट करते वक्त हम इस डेट को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं और इस डेट को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहां पे 31 मार्च 2020 को ही इनका 60 इयर्स पूरा हो जाएगा और ये एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज है कि 31 मार्च के दिन ही इन्होंने मान लीजिए पूरा कर लिया, मान लीजिए नहीं, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें 1 अप्रैल को अगर आप डे ले तो फिर वो ईयर तो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो इस एक बार इसमें कोर्ट में भी केस गया था, तो कोर्ट का भी जजमेंट यही है कि भाई इस यहाँ पे 31 मार्च को ही हम मान लेंगे कि इनकी 60 ईयर एज हो गई और ये 3 लाख एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो अगर रिपीट किया जाए तो अप टू 3 लाख कितना होगा बॉस? नहीं, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख से ज़्यादा हुआ तो 30%। अगर ऊपर से देखा जाए तो एक और केस देखते हैं, फिर एक बार तीनों को रिपीट करेंगे। सॉरी, और आजकल जो टैक्स जो कैलकुलेट होते हैं ना, जस्ट वन क्लिक अवे, लाइक यू विल गो टू इंटरनेट एंड जस्ट राइट टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स का खुद का टैक्स कैलकुलेटर, आई विल जस्ट शो यू कि कैसे होगा वो। मतलब इंटरनेट से आप तुरंत टैक्स निकाल लेते हो आजकल, उतना वो नहीं रहा कि भाई उतना सोचना, बट बुक्स में आई डोंट थिंक कि आपको बेसिक एग्जेम्पशंस को कैलकुलेट करने के लिए आएगा, बट हाँ मतलब बड़े सम्स में आपको तो ये जरूर पूछा जा सकता है। लेकिन हम लोग मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बेसिक्स आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ये देखो मेरे परदादाजी हो गए, दादाजी के दादाजी, ओह नो, दादाजी के बड़े भाई मान लो 80 साल से मोर है, तो इनको क्या बोलते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन। और जो ऊपर वाले दादाजी थे इनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। हम लोग कितना रिस्पेक्ट देते हैं, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हम लोग जो एजेड लोग रहते हैं या एजेड नहीं, जो हमारे बड़े हैं उनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। और ये इनकम टैक्स भी वो रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ गुड वाइब, मतलब कि वही परंपरा चल रही यहाँ पे भी, तो अच्छा लगता है कि उस चीज़ को पढ़ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। 5 लाख तक नहीं ले, 5 से 10-20% और 10 लाख से ऊपर रहा तो इसमें क्या हुआ, जो 5% वाला है ना वो हट गया और 5 लाख तक की पूरी एग्जेम्पशन दे दी गई है, ठीक है। और ये भी रेसिडेंट होनी चाहिए और वही 80 साल और मोर जो आपको मैंने बताया। तो तीनों का रेट आपको पता चल गया कि अगर आपको अभी रिवाइज किया जाए क्या रेट होगा, देखते एक बार। फॉर इंडिविजुअल HUF BOI AOP AGP क्या रेट है भाई, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 30%, 5, 20, 30। लिमिट्स क्या है, अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10 लाख, 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख और अबव 30%, 5, 20, 30। और वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स अप टू 5 लाख नील, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख से अबव 30%। अब ये रही टैक्सेस की बात, अब उसके ऊपर एक और टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सरचार्ज, और ये आपके टोटल इनकम पे नहीं लगता, ये लगते हैं आपके टैक्सेस पे। कहाँ लगते हैं, टैक्सेस, एक सेकेंड हाइलाइटर ले लो तो इजी रहेगा। ये सारे के सारे आपके लगते हैं टैक्सेस पे, जो आपने अभी 5%
20% 30% दे के आया है उसके ऊपर ये सरचार्ज लगता है। और सरचार्ज के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल चीज है, आपको समझनी चाहिए कि आखिरकार सरचार्ज लेती है गवर्नमेंट तो क्यों नहीं टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब मैं अगर टैक्स ले ही रहा हूँ, इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ टैक्स कलेक्शन, लेकिन हम नॉर्मल टैक्स रेट्स को क्यों नहीं इंक्रीज कर देते, कर देना चाहिए। फिर सरचार्ज के नाम पे क्यों मतलब लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन कराई जाए, तो उसके पीछे एक बहुत ही शानदार लॉजिक है, लॉजिक नहीं बहुत ही शानदार प्लान है गवर्नमेंट्स का। गवर्नमेंट जानबूझ के सरचार्ज लगाती है, तो टैक्सेस तो लगते ही हैं, टैक्स को वो लोग इंक्रीज नहीं करता। ऐसा नहीं कि सोशल प्रेशर है और फिर पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये भी तो टैक्स दे ही रहा है ना आदमी, और वो तो रेट अगर आप अगर नॉर्मल इंसान से अगर नहीं पढ़ा तो बोले भाई 30% उधर दे रहे हैं और इधर 37% मान लो ऑल दो उतना नहीं होगा, लेकिन ये तो और हैवी लग रहा है ना। अगर वहाँ पे 45% 43% कर दे और ये अगर ये 37 करेगा तो अप्रोक्स 42-43% तक जाता है टोटल टैक्स, 43% तक जो अभी का सिनारियो है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सरचार्ज ही क्यों लगाती है, टैक्स रेट क्यों नहीं इंक्रीज कर देती, तो और इजी लगता। अगर आप लोग से पूछे मान लो तो बोलेगा 30% प्लस 37% भाई 67% प्लस 4%, तो ऑल दो वैसा है नहीं लेकिन उनको उतना तो आइडिया है नहीं, तो उनके हिसाब से तो 70% वो टैक्स ही दे रहे हैं, तो ये तो और पॉलिटिकल प्रेशर होगा कि भाई इतना परसेंट है, बट ऐसा है नहीं। बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सरचार्ज का डायरेक्ट कलेक्शन मिलता है, और जो बाकी टैक्सेस है जैसे कि जो डायरेक्ट टैक्स अभी हमने नॉर्मल टैक्स रेट की बात की उसमें डिवीजन होता है, बांटना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। सरचार्ज भाई साहब इसीलिए लगता है कि सीधा सेंट्रल के सीधा मोदी जी के खाते में जाता है, डिपोजिटेड इन मोदी जी खाता, कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीधा जाएगा। और ये टैक्सेस पे लगता, मान लो आपका टैक्सेस 12,500 आया, 14,500 तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 14,500 आया तो उसके ऊपर 10% जो भी लगेगा 1450 ऐसा करके। ठीक है, और ये जो है ना वो दो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था ये, समझ रहे हो। तो जो ज्यादा कमा रहा है ना उसको और भयंकर वाली लग रही है। तो अगर आपका नेट टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा है, ठीक है, तभी सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, नेट टोटल इनकम 50 लाख से अबव है, तो उस पे लगेगा सरचार्ज 10% के हिसाब से अप टू 1 करोड़, और 1 करोड़ टू 2 करोड़ 50%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ टू 10 करोड़ 37%। तो 4 रेट हो गए, 10%, 15%, 25%, 37%, 10%, 15%, 25%, 37%। क्राइटेरियाज क्या, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ टू 10 करोड़ 37%। समझ रहे, 50 to 1 10 1 to 2 15 2 to 5 25 5 to 10 37। ये इंडिविजुअल एच ओ बी ओ आई ए ओ पी और एजीपी के केस में है, कंपनीज के केस में अलग होगा, और एलएलपी फॉर्म उनके केस में अलग होगा, हर केस में अलग अलग। तो सरचार्ज जो इंडिविजुअल में 10 15 20 37 10 15 20 5 37, 50 to 1 1 to 2 2 to 5 5 to, ठीक है। ओके, ये 5 up to 5 नहीं है, ये होगा, ये वाला लिमिट नहीं होगा, मोर देन 5 करोड़ 37%, क्योंकि यहां के बाद जितना भी कमाओ उसके नीचे कोई रेट नहीं,
मोर देन 5 crores और उसके ऊपर सेस। अब बात आती है कि सेस क्यों लगता है, कि टैक्स लगा दिए, सरचार्ज लगा दिए, ये जिस चीज के लिए लगता है उसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है, तो उस हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ये किस पे लगेगा, जैसे 14,500 आपका टैक्स है मान लीजिए, 50 लाख पे तो बहुत ज़्यादा ही आएगा, 1450 और इन दोनों का जो टोटल आएगा उस पे एट द रेट ऑफ 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है, दैट इज 4%। और जो आपका फेवरेट चहिता सेक्शन है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अब जो पिछली बार बजट आया था इलेक्शन ईयर, 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, ऐसा पूरा मीडिया में छा गया था। अपनी मीडिया भी तो वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली हो गई आज, ठीक है। तो बात ये है कि कुछ लोगों ने फिर क्लैरिफाई किया, इनिशियल जो इम्प्रेशन थे, बाद में सारे न्यूज़ चैनल्स ने उसको क्लैरिफाई किया। जो अप टू 5 लाख में बहुत ही बड़ा कैच है कि अगर आप 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा कमाए तो आपका टैक्स रेट तो भाई भयंकर हो जाएगा। आप 5 लाख से कम कमाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए 5 लाख तक पे क्या टैक्स आएगा, आपका 2,50,000 तो एग्जेम्प्ट हो गया, नील 2,50,000 टू 5 लाख इज एट द रेट 5% कितना पे लगेगा, 2,50,000 पे, ये आ गया आपका 12,500, ठीक है। अब मान लीजिए आपका टैक्स टोटल इनकम इधर कैलकुलेट करते हैं तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, मान लीजिए आपका टोटल इनकम है 4,70,000 रुपये, ठीक है। तो 2,50,000 पे तो टैक्स नहीं लगेगा, जो बाकी बचा 4 लाख 2,20,000 उस पर अगर 5% आप लगाओ तो कितना होगा, 2,20,000 टू 5%, तो उस पर आप जा 5% के हिसाब से 5% ऑफ 2,20,000 11,000 आ गया। और मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपका क्या है, 12,500। देखो इसमें जो एग्जेम्पशन का लिमिट है वो आपको समझना चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो विच एवर इज लोअर उसी को लेना। आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है, टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 11,000 और ये आ रहा है 12,500, तो 12,500 तक का आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, फिर बोलो कि भाई मेरे को रिटर्न दो, रिफंड दो। तो इसमें जो टैक्स का जो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, वो आपको 11,000 का ही मिलेगा। मान लो कि आपका इनकम है कोई भी 4,90,000, तो 5% किसका हो जाएगा, 2,40,000 का। 2,40,000 का अगर आप निकालें 5% तो 12,000 रुपये आए, ठीक है। 12,000 और मैक्सिमम जो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 87A है वो है 12,500, तो इसमें 12,000 का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपका मान लीजिए टैक्स आ गया 12,000, तो यहाँ पे अगर आप लिखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A टैक्सेबल अमाउंट दैट इज 12,000, मैक्सिमम रिबेट 12,500 और विच एवर इज लोअर। और इस केस में जैसे मान लो 12,000 है, यहाँ के केस में 12,000 लोअर है, तो आपका जो टैक्स पेबल आएगा वो आएगा नील। तो कहने का मतलब ये, अगर यही केस अगर आप रिवर्स कर दो
आपकी इनकम मान लो हो गई सॉरी 5 लाख 5,000 मान लेते हैं, 2.5 लाख एग्जेम्ड हो गया, तो 2,55,000 पे 5% ऑन 2,55,000 कितना हुआ, 2,55,000 पे 5% 12,750। तो क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा? आंसर इज नो, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही कैच है कि 5 लाख तक अगर आपकी इनकम हुई तभी तक रिबेट मिलेगा, उसके बाद रिबेट नहीं मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं? तो यही इस बजट का सबसे बड़ा भी पॉइंट था। इलेक्शन ईयर था तो ये आइटम बिक भी रहा था बहुत लोगों, और बहुत लोगों को बेनिफिट भी होगा। ऐसा नहीं कि जैसे जो जिसकी इनकम है 40,000 तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कितना हुआ उसका 480 हुआ इनकम, तो 40,000 तक की कमाने के आसपास जो आपका इनकम है 50-60 तक भी अगर आप कुछ 80C में लेते से 80C में 1,50,000 तक का ले लेते तो 6.5-7 कमा रहे तो फिर आपका तो बच जाएगा इनकम। ये नोट नेट टोटल इनकम हो रहा है, जो डिडक्शन के बाद 5 लाख है उसके ऊपर बात हो रही है। तो ये रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन ये। मैं जो बता रहा था कि ऑनलाइन अगर आप देखें, जैसे देखिए ये कैलकुलेटर है, आप सिंपली क्या लिखना है इसको, ये कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, सिंपली लिखेंगे कि टैक्स कैलकुलेटर तो इनकम टैक्स का वेबसाइट का पहला पेज आ जाएगा। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है 2021, और इंडिविजुअल मेल रेसिडेंट सेलेक्ट किए और आ गया ये। अगर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा बढ़ा दूंगा 5,05,000 तो देखिएगा क्या होगा। ओके ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, मैं पेज खोल के तो रखा था, एक सेकंड। जैसे कि मैं गूगल वगैरह सर्च मारूं कि कैलकुलेट इनकम टैक्स है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, तो जो पहला लिंक आ गया अपना income tax india.gov.in, तो अपने प्यारे इनकम टैक्स का साइट है। अब असेसमेंट ईयर मान लो, देखिए यहाँ पे एक जो लाइन लिखी कि एज अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट नंबर 2 वाला, जो कि आया था इलेक्शन जुलाई में, जो आया था इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसके हिसाब से, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वह 2021 और प्रीवियस ईयर है 1920। टैक्स पेयर मान लो इंडिविजुअल से लिख किए, मेल है मेल कर लिए, सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन भी है, रेसिडेंट को अगर सेलेक्ट किए तो नेट टैक्सेबल इनकम कितना लेते हैं, अगर एक बार लिखो 4,90,000 तो टैक्स कितना आएगा नील। अगर अभी मैं इसको बढ़ा दूं 5,01,000 करता हूं, तो 12,500, 1 रुपया बढ़ा ना तो फिर आपका 12,500 उसके ऊपर लगा 500 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 5% और आपकी टोटल लाइबिलिटी 13,000। 1 रुपया अगर आपका टोटल इनकम बढ़ा, तो अगर आपका कोई क्लाइंट है और वो बोल रहा है कि भाई उसको बोल दो कि अगर आपका थोड़ा सा भी 10-20 रुपया भी ऊपर नीचे हो रहा तो कहीं इन्वेस्टमेंट में डाल दो, ठीक है। प्रधानमंत्री फंड एक आता है उसमें डोनेशन दे दो 1 रुपया, समझ रहे हो, तो 13,000 रुपया बच जाएगा तुम्हारा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करा दो उसका, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा अगर क्लाइंट है तो। 1 रुपया से भी देखे कितना चेंज हो गया, 5,10,000 करते 14,500। अब ये देखो इंडिविजुअल हो गया, HUF ले लो, AOP BOI ले लो, तो तीनों के केस में ऐसा ही है, ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि अपने बात करते हैं 3 लाख सुपर सीनियर सिटीजन है तो कितना टैक्स आएगा, से 3,00,000 रुपये तो रिबेट हो गया, तो वैसे ही एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो वो भी एक कुछ है नहीं, क्योंकि देखो तो रिबेट मिल ही जाता है,
सीनियर सिटीजन करो या कुछ भी करो, तो सभी का तो एग्जेम्प्ट है। तो अब ये बोलना कि सीनियर सिटीजन को एग्जेम्पशन दे रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं। सुपर सीनियर सिटीजन में थोड़ा सा रिलीफ है कि 5 लाख तक का आपका एग्जेम्पशन है, ठीक है। लेकिन ऑल दो अगर सॉरी अभी जो टैक्स रेट्स देखे जाए तो उसके हिसाब से तो 5 लाख तक को मेरे को भी मिलता है, उनको भी मिल रहा है एग्जेम्पशन। मेरे को रिबेट के फॉर्म में मिल रहा है, उनको बिना रिबेट के फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं अगले टैक्स रेट के हिसाब से। अगर कोई फॉर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी, तो उस पर नेट टोटल इनकम में डायरेक्ट 30% टैक्स, कोई स्लैब नहीं है। अगर इनका नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% के हिसाब से सरचार्ज लग जाएगा। और सेस जो है वो तो सब पे एप्लीकेबल है, सेस जो है एप्लीकेबल टू ऑल, कोई भी टैक्स हो सेस तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये जो रिबेट है ना, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा भाई साहब। अगर आप बाहर के NRI हो, आप बोलो रिबेट दे दो भैया, वो सब नहीं मिलता यहाँ पे। क्या वो सब नहीं मिलता? आप कहीं और जाके मांगो, देश में रहो तो कुछ छूट मिलेगा। अगर NRI बन के रहोगे तो कुछ छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक सवाल और मैं बताता हूं कि जैसे कि आप रिबेट जो 87 वो किस इनकम पे मिलेगा, मतलब कोई भी इनकम पे? आंसर इज यस, कोई भी इनकम। जैसे कि आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हो और जीत जाते हो, मान लो आप 4 लाख रुपया जीत गए, तो इस पे तो आपको 30% के टैक्स देना पड़ेगा, सीधा रेट है वहां पे, तो 1,20,000 रुपया। इस पे भी आपको 12,500 तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, समझ रहे? तो ये रिबेट जो है रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए बस। आप एक रेसिडेंट है, इंडिविजुअल हैं तो आपको भैया रिबेट मिलेगा। रेसिडेंट है, इंडिविजुअल हैं तो आपको रिबेट मिलेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, यहां पे एक बार चेक करते हैं। जैसे ही HUF हुआ तो 5 लाख पे देखो ये टैक्स आ गया, इसमें रिबेट आपको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 87 है, तो आप इंडिविजुअल हो तभी आपको मिलेगा, ठीक है। AOP BOI हो तो भी आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तभी आपको रिलीफ देगी गवर्नमेंट और हमारा इनकम टैक्स एक्ट। फॉर्म LLP लोकल अथॉरिटी का केस में क्लियर होगा, 30% पर डायरेक्ट लगाओ, और सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है तो 12% के हिसाब से। ओके, ये प्रिंटिंग एरर है, ये होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अप टू 10,000 है तो 10%, 10 से 20, 20%, 20,000 से ज्यादा है तो 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी होती है, 30-40 फ्लैट होता है, मेंटेनेंस उसमें रिसीव होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसमें इनकम ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उसका स्लैब ऐसा है, ठीक है। और अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% के हिसाब से सरचार्ज देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अपनी कंपनीज के बारे में। कंपनीज और हमारा तो रिलेशन मतलब कि बहुत ही तगड़ा है। कंपनीज हैं तो हम हैं, इंडिविजुअल पे कितना कमा के जिएंगे अपने? इंडिविजुअल में कमाई नहीं है भाई साहब, कंपनी पकड़ो तभी कमाई होगी, है कि नहीं? तो कंपनीज की बात करें तो क्या टैक्स रेट अगर आप देखें तो इस बजट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था कि
आपका कंपनीज पे 25% टैक्स लगेगा, लेकिन एक कंडीशन थी उसमें भी, वो एक कंडीशन थी कि आपका जो प्रीवियस ईयर 17-18 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक है या उससे कम है तभी, समझ रहे हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा कैश था। और वो प्रीवियस ईयर 17-18 क्यों की गई, मतलब 1920 का हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो टैक्स रेट है तो 1920 का हुआ था, तो वो टैक्स रेट और मतलब जो लिमिट सेट की गई वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि वो 17-18 की सेट की, 18-19 भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं, तो एक और साल पीछे जाने का क्या मतलब था। देखो भाई, इंडियन जो होते हैं ना वो बड़े ही, मतलब जो भी बोल दो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, तो दो टाइप की कंपनी हो गई। टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी हो गई और फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी पे क्या रेट होगा, 30%। अगर यही इसका मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, डोमेस्टिक कंपनी टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 अप टू 400 करोड़, तो ये 25% है और ये तो सरचार्ज है, ये अलग पार्ट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो बजट आया था वो फैब में आया था, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए, तो उस समय ईयर 1819 चल रहा था, तो जो ये प्रीवियस ईयर जब ये बजट आया था 25% की जब रेट की बात हो रही थी, तो उस समय प्रीवियस ईयर 18-19 चल रहा था, तो सरकार को पता था कि भाई अगर मैंने ये बोल दिया कि प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ है, तो फिर सारे के सारे मैनिपुलेशन करेंगे, इधर का उधर रिटर्न लगाओ, ये कर दो, गुड्स रिटर्न कर दो, सेल रिटर्न मार दो, वो 400 के नीचे ला ही देंगे, ठीक है। इसलिए सरकार एक स्टेप आगे गई कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो तो हम भी, तो हमारे पास भी तो कुछ हैं पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पीयूष गोयल साहब खुद ही वो बजट ला रहे थे, तो उन्होंने ये टर्म लगा दिया कि अगर आप प्रीवियस ईयर 17-18 में जो कि जिसका रिटर्न ऑलरेडी लग गया था, या फिर ईयर एंड हो गया था, रिटर्न भी लग गया था, सारे चीज कंप्लीट हो गए, तो उस समय अगर आपका टर्न ओवर 400 या उससे कम है, 400 करोड़ या उससे कम है, तो 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा है तो 30%, और नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 7-12% आपका सरचार्ज लग जाएगा, फॉरेन कंपनी 40%, 2% और 5% सरचार्ज, ठीक है, क्योंकि फॉरेन कंपनी में 40% टैक्स लग रहा, तो सरचार्ज तो थोड़ा बहुत कम लेना ही चाहिए। तो ये रहा पूरा टैक्स आपके सामने, सारे टैक्स के रेट्स। अब एक चीज बाकी रह गई, अगर एक बार इसको रिवाइज किया जाए तो क्या होगा, डोमेस्टिक शुरू से देखते हैं, इंडिविजुअल का केस लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल अगर इनकम आपका आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, BOI हो, AOP हो, AJP हो, अप टू 2,50,000, नेल 2,50,000 टू 5,00,000, 5%, 5,00,000 टू 10,00,000, 20%, 10,00,000 से अबव तो 30%। फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट जिसका एज, इंडिविजुअल रेसिडेंट जो है उसका एज 60 और उससे ज़्यादा है, तो 3,00,000 तक का एग्जेम्पशन, 3,00,000 से 5,00,000 तक के लिए 5%, 5,00,000 से 10,00,000 20%, 10,00,000 से ज़्यादा 30%, जो 80 से ज़्यादा उनको 5,00,000 तक का एग्जेम्पशन, 5,00,000 से 10,00,000 20%, 10,00,000 से ज़्यादा 30%, सरचार्ज है 50,00,000 से, ये पॉइंट जरूर देखिएगा, 5 करोड़ जो लास्ट में, 50,00,000 से 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तो 25%, और 5 करोड़ से जितना भी ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरचार्ज इसलिए गवर्नमेंट लगाती क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कलेक्शन जाता है और ये टैक्सेस पे लगते हैं, ना कि आपके इनकम पे। सेस एप्लीकेबल है सबके लिए भाई सब, एट द रेट 4% ऑन टैक्स एंड सरचार्ज, ठीक है।
टैक्स और सरचार्ज दोनों मिला के जो अमाउंट आता है उसके ऊपर वो लगता है। रिबेट 87A में आपको मिलेगा अगर आप रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, जो अब आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख से, ये 5 लाख तक है या 5 लाख से कम है, वो क्या मिलेगा, टैक्सेबल अमाउंट मान जो आएगा वो 12,500 एक मैक्सिमम लिमिट है, उन दोनों में विच एवर इज लोअर जो रहेगा उस पर वो रिबेट मिलेगा। फर्म LLP लोकल अथॉरिटी तो 30%, सरचार्ज 12%, कोऑपरेटिव सोसाइटी है 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 है तो 20%, 20,000 से ज़्यादा तो 30%, सरचार्ज 12% लगेगा अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा नेट टोटल इनकम है। कंपनी अगर आप हो तो डोमेस्टिक फॉरेन, डोमेस्टिक कंपनी 30%, लेकिन अगर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर आपका 400 करोड़ से कम है, प्रीवियस ईयर 17-18 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपको 25% ही टैक्स मिलेगा, तो 5% का रिडक्शन है। सरचार्ज 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 7%, 10 करोड़ से ज़्यादा तो 12%, और इधर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 7 और 12। फॉरेन कंपनी के बीच की बात करें तो 40% डायरेक्ट रेट टैक्स रेट लगेगा, और 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में तो सरचार्ज 2% और इधर 5%। एक और कॉन्सेप्ट बाकी है जो है मार्जिनल रिलीफ का, टाइम देखते एक बार 46 मिनट के आसपास। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल रिलीफ का, क्या कॉन्सेप्ट का नाम है, मार्जिनल रिलीफ। ये कॉन्सेप्ट लगता है जब आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि आपका जो इनकम हुआ है जिसके ऊपर सरचार्ज लग रहा है, ऐसा ना हो कि जितना अमाउंट पे सरचार्ज लगा है, मतलब सरचार्ज के लगने की वजह से आपका टैक्स आपके इनकम से ज़्यादा ना हो जाए। जैसे कि 50 लाख एक इंडिविजुअल के केस में 50 लाख अगर से आप ऊपर कमाते तो 10% आपका लगता है सरचार्ज, लेकिन मान लो आपकी इनकम 51 लाख है तो 51 लाख में जो सरचार्ज लगेगा वो जो पूरा टैक्स आएगा उसके ऊपर लगेगा, टैक्स तो 51 लाख उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। आपने सिर्फ 1 लाख रुपया ज़्यादा कमाया है जिसके ऊपर सरचार्ज आपके पूरे टैक्स 13 लाख 14 लाख जो भी टैक्स उस पर लग गया, तो 1 लाख रुपया आपने कमाया लेकिन उसके वजह से आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो उससे ज़्यादा हो गया, तो वो ज़्यादा ना हो उसके लिए रिलीफ लाया गया। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 51 लाख को ही अपने सॉल्व करते एक बार। मान लीजिए आपकी इनकम 51 लाख है, टैक्स क्या होगा, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख एट द रेट 5%, 12,500, 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट 20%, दैट इज 1 लाख। और उसके बाद जो हुआ, जैसे कि यहाँ पे 41 लाख पे अबव 10 लाख कितना है, 41 लाख पे एट द रेट 30%। अब इस पे अगर निकाला जाए कैलकुलेटर से तो 41 लाख इंटू 30% तो आएगा 12,30,000, ठीक है, और टोटल हो जाएगा आपका 12,30,000 प्लस 1 लाख 13,30,000 प्लस 12,500, सो 13,42,500, 13,42,500 आपका ये टैक्स आया नॉर्मल टैक्स रेट से। अब आप जो सरचार्ज लगा रहे हो
वो सिर्फ 1 लाख ज्यादा कमाने की वजह से आपका जो टैक्स स्लैब है सरचार्ज का 50 लाख to 1 करोड़ में आप आ गए, उसका रेट है एट द रेट 10%। अभी जो 10% लग रहा है ये पूरा 13,42,500 पे लग रहा है, तब इसका 10% अगर आप निकालें तो ये आ गया 1,34,250। 1,34,250 आप कमाए कितना, आप 1 लाख ज्यादा कमाए जिसकी वजह से आपको 1,34,250 रुपया ज्यादा देना पड़ा। आप कमाए तो 1 ही लाख, मतलब आपकी इनकम 1 लाख बढ़ी लेकिन आपको टैक्स 1,34,250 ज्यादा देना पड़े। तो इस केस में आपको मार्जिन रिलीफ का मदद मिलता है। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13,42,000, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो बैलेंस आ जाएगा 14,00,000। एक सेकेंड, 76,750, ठीक है। अगर जो हमारा मार्जिन रिलीफ का कैलकुलेशन है उसको हिसाब से देखें कि 50 लाख तक पे कितना टैक्स आ रहा है, ठीक है, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं उसको, रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख पे जितना टैक्स लगाना है वो लगा लो, टैक्स ऑन 50 लाख, ठीक है, प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 50 लाख, मतलब 50 लाख से जितना ज्यादा कमाए वो ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 1 लाख और इस पे जो टैक्स आता है। अभी 50 लाख पे टैक्स कितना आएगा, 50 लाख पे अगर आपको टैक्स लगाना है तो कितना हुआ, 10 लाख पे 1,12,500 हो गया, 10 लाख पे 1,12,500 हो गया और 40 पे 3 मारे तो 12 लाख, तो टोटल हो गया 13,12,500। कैसे निकला, इसको निकाला जाए तो मैं बता दूं, इधर 50 लाख पे अपना जो टैक्स निकलेगा 50 लाख, तो 2.5 लाख पे एग्जम्प्ट, 2.5 लाख पे एग्जम्प्ट, 2,50,000 to 5 लाख एट द रेट 5%, दैट इज 12,500, और ये रहा 5,00,000 to 10,00,000 एट द रेट 20%, दैट इज 1,00,000, और इधर बचा 40 लाख पे लगाया आपका एट द रेट 30%, तो बचा 12,00,000 प्लस 1,13,00,000, 13,12,500, ठीक है। तो अपना अमाउंट कितना आया, 13,12,500, और नेट टोटल से हमारा कितना ज्यादा है, 1 लाख रुपया ज्यादा है, तो ये हो गया 14,12,500। मतलब मैं 1 लाख जो ज्यादा कमाया उसको पूरा इनकम को भी टैक्स दे दूं, वो 1 लाख ले लो भाई साहब, तभी भी मेरा आता है 14,12,500, समझ रहे हैं। तो इसमें जो लोअर रहेगा, जैसे कि ये लोअर है ना इस केस में, तो अगर
एक लाख रुपया जो ज्यादा कमाए नेट टोटल इनकम से 50 लाख से कितना ज्यादा हुआ था अपना, तो ये 51 लाख माइनस 50 लाख तो 1 ही लाख हुआ ना, वो 1 लाख जोड़ भी दे तो 14,12,500। तो मार्जिनल रिलीफ यही बोलता है कि जितना आप कमाए ज्यादा, जिसकी वजह से सरचार्ज लग रहा है, उससे ज्यादा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ये आ गया मार्जिनल रिलीफ, इसको माइनस करते हैं, 14,76,750 माइनस 14,12,500, करेक्ट। तो ये आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 64,250। इस पे फिर हम लोग कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड टू मतलब कि विच एवर इज लोअर पे आ जाएगा। अगर ये देखा जाए तो इन दोनों में जो लोअर रहेगा उस पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये अगर हटा दिया जाए तो ये कैलकुलेशन हुआ। अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर ये लोअर है तो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा और इसके ऊपर हम लोग आगे टैक्स देंगे। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर आपका जो एजुकेशन सेस लगता है वो कैलकुलेट करिए और टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। मान लीजिए इस केस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, अब 4,12,000 पे लगाइए 14,12,500 पे आपने लगाया 4% का टैक्स 56,500, इसको ऐड कर दिए 14 लाख, में तो आ गया 1,469 टैक्स लाइबिलिटी। तो इसमें जो मार्जिनल रिलीफ हुआ वो कितना हुआ, यही दोनों का, मतलब कि हम कमाए 1,00,000 रुपए ज्यादा, आप मेरे से सरचार्ज ले रहे हो 1,00,000 रुपया से भी ज्यादा, 1,34,250, तो वो सही नहीं, समझ रहे हैं। तो जितना हम ज्यादा कमा रहे हैं उससे ज्यादा अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट बोलता है आप जितना ज्यादा कमाए उतना ही पे दे दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। गवर्नमेंट बोले पूरा कमाई 100% ही दे दो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आपको रिलीफ मिला ना, तो वही केस है। और एक केस सॉल्व करते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रिक रहेगा। वो केस आप ले लीजिए कि आपका इनकम मान लीजिए 1,00,000,000 रुपया से ज्यादा है, आपका इनकम 1,00,000,000 से ज्यादा है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए 100 टोटल इनकम 102,30,000 रुपया, 102,30,000 मतलब कि 1,02,30,000 रुपये। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाए, चलिए कैलकुलेट करते हैं। टैक्स लायबिलिटी अगर निकाली जाए तो कैसे आएगी, टैक्स लायबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो 2,50,000 पे वही सिंपली 2,50,000 पे नील, ठीक है, 2,50,000 से 50,000 टू 5 लाख्स एट द रेट 5%, तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए 12,500 आएगा, ये 1,00,000 आएगा, 5 लाख्स टू 10 लाख्स पे। अब जो बचा है इधर, मतलब 10 लाख से जो भी ज्यादा है, तो इस पे कितना आएगा, तो 1,00,000 102,30,000 में से अगर 10,00,000 अगर आप माइनस कर दो तो आएगा 92,30 पे एट द रेट 30%, तो आएगा 27,00,000। अब इसमें ऐड कर दो 1,12,500, तो आया
28,81,500. अब इस पे सरचार्ज तो लगेगा ही, कितना सरचार्ज लगेगा अपना? अगर आपको रेट अगर याद हो तो हमने रेट आपको क्या बताया था, 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, फिर 15%, 25%, 37%, ठीक है, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा तो 37%, तो इस केस में सरचार्ज लगेगा आपका एट द रेट 15%। तो एट द रेट 15% से आप अगर निकालें, इसके ऊपर 15% लगाए हैं, तो आ जाएगा 432,225, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 33,13,725। अब फिर वही रेस्ट्रिक्टेड टू कितना हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू जैसे कि आपका जो टैक्स है, टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, इसमें कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा कितना हुआ, जिसकी वजह से मेरे को 15% का सरचार्ज लगा, 2,30,000। टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालते हैं, अब 1 करोड़ का टैक्स कितना होगा, ईजी है, 1,12,500 तो आपको पता ही, ठीक है। 90 पे 30% मारिए, 90 लाख पे 30%, 27 के आसपास आएगा, 90 लाख पे 30% लगाया 27 लाख, फिर उसमें 1,12,500 ऐड किए तो कितना आया, 27 लाख प्लस 1,12,000 1 करोड़ पे कितना हुआ, 27 लाख रुपया हो गया 30% के हिसाब से, और उसके ऊपर वाले 1,12,500, तो ये टोटल हो गया 28,12,500, ठीक है। लेकिन अब इस पे भी तो सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ये इनकम है 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर, तो इस पे भी एट द रेट 10% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में, कि जो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे उसमें जो उसके पहले का सरचार्ज है वो ऐड करना ज़रूरी है। इस पे 10% निकाले तो 281,250 आ गया, अभी टोटल हो गया आपका 3,093,750, ठीक है, 3,093,750, अभी 2,30,000 इसमें से ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33,750। अब इसमें से 33,750 तो विच एवर इज लोअर, अब इसमें से लोअर कौन है, लोअर तो यही है, मतलब इस केस में आपको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। अब यहां पे 33,13,725 पे ही टैक्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ तभी मिलता अगर आप 2,30,000 से ज़्यादा टैक्स देते, ठीक है, जैसे प्रीवियस केस में हुआ था। अब बस इसके ऊपर सरचार्ज लगाइए, इसके ऊपर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाइए और टोटल टैक्स आ जाएगा,
अगर निकालना हो तो मान लीजिए निकाल देते हैं 13,13,725 क्यों ली, ये पता चला। जैसे इन दोनों का लोअर इन दोनों का लोअर या अब इसमें ट्रिक यही था कि जो 50 लाख से 1 करोड़ तक का जो सरचार्ज है 10% का वो इंक्लूड होगा इसमें, उसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर रहे, समझ रहे। 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ, मान लो कि इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ, तो 2 करोड़ से ज़्यादा में आप क्या करोगे, 2 करोड़ तक का तो सरचार्ज लगाओगे ही ना, 2 करोड़ में जो सरचार्ज है 1 करोड़ से 2 करोड़, वो जो सरचार्ज है वो 15% तो लगाओगे ही ना। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ वहाँ पे मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करो। वही केस अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो उस केस में भी 25% जो पहला सरचार्ज हो तो वो ऐड करोगे ही ना, उतना तो देना ही था। अब 5 करोड़ से जितना ज़्यादा कमाया उसमें सरचार्ज आपको 37% लग रहा है तो उस केस में रिलीफ की बात हो रही है। पहले को तो आपको देना ही होगा, क्योंकि 50 लाख 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो तो 10% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। सरचार्ज और मार्जिन रिलीफ में बस 2-3, 2 लाख 5 लाख तक का ही कैलकुलेट किया जाता है। 50 लाख से 60 लाख अगर आप कमा रहे हो तो मार्जिन रिलीफ तो मिलेगा ही नहीं, तो थोड़े अमाउंट के लिए देखा जाता है बस, ठीक है। 2 से 5 लाख तक ज़्यादा अगर कमा रहे हो, 1 करोड़ की लिमिट पे, 50 लाख की लिमिट पे, 2 करोड़ की लिमिट पे, 5 करोड़ की लिमिट पे, 2 से 5 लाख 37% में 7 लाख भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं। तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन सिंपली आप कर लीजिए, यहाँ पे 2 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, तो ये कैलकुलेशन से आपको ईजी हो जाएगा बेसिकली। हेल्थ एजुकेशन से 4% के हिसाब से अगर आप लगा देते हो यहाँ पे तो कैलकुलेट किया जाए 33,13,725 4% 13,25,49। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी 34,46,270। परफेक्ट, तो यही है। अब ये केस आप 5 लाख पे भी लगा सकते हो, 5 करोड़ पे भी कर सकते हो, 2 करोड़ पे भी कर सकते हो, सेम कैलकुलेशन होगा। जैसे 5 करोड़ हो गया तो क्या करोगे, और 2 करोड़ के ऊपर है तो 2 करोड़ के ऊपर में आपको यहाँ पे 15% तो लगाना ही लगाना होगा, ठीक है। 5 करोड़ के केस में आपको 25% तो लगाना ही लगाना होगा। 5 करोड़ से जो ज़्यादा हुआ वो अगर यहाँ पे उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो यही है मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट।